इब्राहिम क्या हुआ, रो रहे हो? सब मेरी वजह से हुआ, अब जो होना था वो तो हो चुका है। तुम नहीं, सब मेरी गलती थी। गलती तुम्हारी नहीं थी, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना भाई, हमने जो कुछ कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता वो हो जाता है, और एहसास भी हमें तब हुआ जब सब कुछ हाथ से निकल गया सिर्फ एक गलती की वजह से। मैंने सुना है कब्र को पक्की नहीं करवानी चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें कब्र पक्की करवा देनी चाहिए। हमारे कब्रिस्तानों के तुम्हें हालात पता है, पुरानी कब्रों में नए मुर्दे डाल के चले जाते हैं। सही कहा आपने भाई, मैं कल ही जोएब भाई को बोल के कब्र पक्की करवा दूंगा। अच्छा आइडिया, ठीक है। जी भाई आ गए आप। क्यों नहीं आना चाहिए था क्या मुझे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चलो चाय बना दो फिर। जी मैं बना देता हूँ। और हाँ, चाय में फीकी पीता हूँ तो चीनी मत डालना, सही है? जानता हूँ, बस मैं फ्रेश होके आपको भी चाय बना देता हूँ। इब्राहिम अब ये काम भी करने लग गए तुम? नहीं 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 भाई, वो दो सिगरेट छोड़ गया था, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। ठीक है, अब तो तुम पीठ पीछे ये भी करोगे, जा जो रहे हो तुम यहाँ से। नहीं नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भाई, आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो देखते हैं तुम्हारा प्रॉमिस कब तक ये कायम रहता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं उसामा भाई का भाई जुहेब बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, इब्राहिम की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। आप काइंडली घर पर आकर देख लें, बट मेरा उसे जिक्र मत करिएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। कब तक इब्राहिम इस तरह खुद को दुख देते रहोगे, अपनी जिंदगी को अजाब में डालते रहोगे? देखो जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एटलीस्ट अपनी जिंदगी की आगे शुरुआत तुम कर सकते हो। मगर जीने के लिए रह क्या गया है? इब्राहिम मरने वालों के साथ मरा नहीं जाते कोई। मगर जीना भी तो मुश्किल हो गया। हाँ लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक नई शुरुआत तो की जा सकती है। सारी गलती मेरी थी। बस भी कर दो इब्राहिम, तुम एक ही बात को लेकर कब से बैठ गए हो। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी, आगे का सोचो तुम। जिंदगी तो जीना दुश्वार कर रही है भाई। मैं आपको अपनी कंडीशन बता चुका हूँ। देखो बेटा, मौत को कबूल करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रूह को बुला सकें या उससे बात कर सकें? बेटा आप थोड़ा बाहर जाए। देखो बेटा, बात यह है कि रूह से मुलाकात या बात का सबूत तो नहीं, मगर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई इंसान ये कहे कि उसे रूहें नजर आती हैं, फिर? इब्राहिम ये सब तुम्हारा वहम है, कोई बीमार नहीं हो तुम। देखो बेटा, इस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है। बेटा बात यह है कि रूहानियत की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्या ये मुमकिन है? हो सकता है आप इस वक्त हकीकत को कबूल नहीं करना चाह रहे हो। मैंने सुना है कि रूहें कई बार अपने घर का चक्कर लगाती हैं। रूह बेशक एक बार चक्कर लगाए या 10 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तब होता है जब रूहें अपनी फैमिली के लिए परेशान हो, लेकिन इसकी भी कोई दलील नहीं है।
ये हकीकत मरने के बाद ही मालूम होती है। तो किसी रूह की मौजूदगी का एहसास गम को ज्यादा याद करना और उसे कबूल ना करना। ना करना, मगर जब गलती मेरी है तो मेरी गलती की सजा किसी और को देना, ये कहाँ का इंसाफ है? गलती तुम्हारी नहीं थी इब्राहिम, तुम क्यों इस बात को दिमाग में लेकर बैठ गए हो? आपका जो मसला मुझे नजर आ रहा है कि आप हकीकत को तस्लीम ही नहीं करना चाह रहे। माहिर नफ्सियात में इस बीमारी को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसा आपने कहा कि गलती मेरी ही थी, लेकिन दरअसल हकीकत का सामना कुछ और है। मेरा मशवरा आपको ये है कि जितनी जल्दी आप इस हकीकत को कबूल कर लेंगे उतनी ही जल्दी सुकून पा लेंगे। हाँ इब्राहिम, जो तुमने कबर पक्की करने का काम दिया था वो हो गया। अच्छा ठीक है, बस मैं चेंज कर लेता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। ओके। इब्राहिम, उस गाँव में बहुत अच्छे इंसान थे जो हमेशा दूसरों का भला सोचते थे। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। ये वक्त उनके जाने का नहीं था, पर शायद खुदा को यही मंजूर था। भाई आप हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दें, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है।